हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी एनसीईआरटी एक्सपर्ट। मैंने आपको जो 7 चैप्टर है फ्रैक्शंस, 6th क्लास से है ये, मैंने इसकी एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट करा दी है। आज हम करेंगे फ्रैक्शन ऑन द नंबर लाइन, कि हम फ्रैक्शन को नंबर लाइन के ऊपर कैसे शो कर सकते हैं। यू हैव लर्न टू शो होल नंबर्स लाइक 0, 1, 2 ऑन ए नंबर लाइन। मैं आपको पिछले चैप्टर्स में करा चुकी हूँ कि नंबर लाइन के ऊपर हम होल नंबर्स को कैसे शो करते हैं। इस तरह से शो करते हैं हम, जैसे ये हमारा हो गया 0, 1, 2, 3, इस तरह से हम शो करते हैं। तो अब हम इस चैप्टर के अंदर क्या करेंगे, ये चैप्टर हमारा है फ्रैक्शंस का, तो इसके अंदर हम फ्रैक्शंस को नंबर लाइन के ऊपर शो करना सीखेंगे। लेट अस ड्रॉ ए नंबर लाइन एंड ट्राई टू मार्क 1/2 ऑन इट। हम एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे और उसके ऊपर हम 1/2 को मार्क करेंगे। वी नो दैट 1/2 इज़ ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1। 1/2 क्या होता है, ये 0 से तो बड़ा होता है लेकिन 1 से छोटा होता है। सो इट शुड लाई बिटवीन 0 एंड 1। तो कहाँ होगी 1/2 की पोजीशन, 0 और 1 के बीच में होगी। सिंस वी हैव टू शो 1/2, हमें क्या शो करना है, 1/2 को शो करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, वी विल डिवाइड द गैप बिटवीन 0 एंड 1 इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। तो 0 से लेकर जो 1 तक का गैप है उसको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे एंड शो 1 पार्ट एज 1/2 एज शोन इन द फिगर ऑन द नेक्स्ट पेज। 137 पेज पे फिगर दे रखी है, इसके अंदर क्या दिया हुआ है, 0 से लेकर 1 तक की लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ये हो गया पूरा, यहाँ से 0 से लेकर यहाँ तक 1/2 और 1/2 से लेकर 1 तक ये भी हो गया इसका 1/2। ये तो हो गया हमने फ्रैक्शन लाइन को 1/2 को कैसे शो करना है नंबर लाइन के ऊपर। नेक्स्ट हमारा, सपोज वी वांट टू शो 1/3 ऑन ए नंबर लाइन। तो अब हमें 1/3 को नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। इनटू हाउ मेनी इक्वल पार्ट्स शुड द लेंथ बिटवीन 0 एंड 1 बी डिवाइडेड। तो हम 0 से लेकर 1 तक की जो लेंथ है इसको हम कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। वी विल डिवाइड द लेंथ बिटवीन 0 एंड 1 इंटू 3 इक्वल पार्ट्स। तो हम 0 से लेकर जो 1 तक की लेंथ है इसको हम 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट आ गया, यहाँ पे सेकंड पार्ट आ गया और ये हो गया थर्ड पार्ट। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये हो गया 1/3, यहाँ से लेकर यहाँ तक 1/3 और यहाँ से लेकर यहाँ तक 1/3। कैन वी शो, तो हम शो कर चुके हैं कि 1/2 को हम कैसे शो करेंगे नंबर लाइन के ऊपर और 1/3 को हम कैसे शो करेंगे। तो 0 से लेकर यहाँ तक का 1/3 हो जाएगा, लेकिन हमारी कंडीशन ये है जब हम फ्रैक्शंस को किसी भी नंबर लाइन पे शो करते हैं तो जो ये पार्ट्स होते हैं, जैसे हमने इसमें लाइन के 3 पार्ट्स किए तो ये इक्वल होने चाहिए। यहाँ पे जो 2 पार्ट्स किए ये इक्वल होने चाहिए, यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस और यहाँ से लेकर यहाँ तक के डिस्टेंस इक्वल होने चाहिए। कैन वी शो 2/3 ऑन दिस नंबर लाइन, क्या हम इस लाइन के ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर 2/3 को शो कर सकते हैं। 2/3 का मीनिंग क्या है, इट मीन्स 2 पार्ट्स आउट ऑफ 3 पार्ट्स। जो नीचे होता है वो टोटल पार्ट्स होते हैं और ये जो ऊपर वाला होता है ये केवल जो हमने लिया है उसी होल में से, 3 पार्ट्स में से। तो इसको हम क्या शो करेंगे, ये हो जाएगा 0, ये 1/3, तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3 क्योंकि टोटल पार्ट्स हैं 3 और हमने कितना लिया इसके अंदर 2 पार्ट्स, तो ये हो जाएगा 2/3 और यहाँ पे 3/3 को हम 1 लिख सकते हैं। सिमिलरली हाउ वुड यू शो 0/3 एंड 3/3 ऑन दिस नंबर लाइन। तो ये हो जाएगा आपका 0/3, इसको हम 0 भी कह सकते हैं। तो 0/3 को हमने शो कर दिया, अब ये हो गया हमारा 3/3, इसको हम काटेंगे तो हमारा 1 आएगा। तो हम इस तरह से 0/3 और 3/3 को नंबर लाइन पे शो कर सकते हैं। 0/3 इज़ द पॉइंट 0, 0/3 ये पॉइंट 0 ही होता है एंड 3/3 इज़ 1 होल और 3/3 1 के इक्वल होता है। सो इट कैन बी शोन बाय पॉइंट 1, तो हम 3/3 को पॉइंट 1 से शो कर सकते हैं।
सो इफ़ वी हैव टू शो 3/7 ऑन ए नंबर लाइन, अगर हमें नंबर लाइन के ऊपर 3/7 को शो करना है, देन इनटू हाउ मैनी इक्वल पार्ट्स शुड द लेंथ बिटवीन 0 and 1 बी डिवाइडेड, तो हम 0 से लेकर 1 तक की जो लेंथ है उसको हम कितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. इफ़ पी शोज 3/7 देन हाउ मैनी इक्वल डिविजन्स लाई बिटवीन 0 and P, तो 0 और P के बीच की कितनी डिविजन्स हैं. जैसे ये हमारी एक नंबर लाइन है, यहाँ पे 0 है, ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 7, यहाँ तक की हमारी नंबर लाइन है. इसको हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 और ये हो गया 7. तो 0 से लेकर 7 तक हम 7 इक्वल पार्ट्स में इस लाइन को डिवाइड कर लेंगे. उसके बाद हमें क्या करना है, पी शोज 3/7, ये जो 3 है इसके नीचे हम सारों के नीचे 7 लगाएंगे क्योंकि हमने इस पूरी लाइन को 7 पार्ट्स में डिवाइड किया है. तो 7/7 को हम 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 0/7 लिख सकते हैं या 0 लिख सकते हैं. इफ पी शोज 3/7, ये पी यहाँ पे 3/7 को शो कर रहा है, देन हाउ मैनी इक्वल डिविजन्स लाई बिटवीन 0 and P, तो 0 और P के बीच में ये पॉइंट P है, 0 और पॉइंट P के बीच में कितनी डिविजन्स हैं, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक 1, यहाँ से लेकर यहाँ तक 2, यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 डिविजन्स हैं. वेयर डू 0.7 and 7.7 लाई, तो 0.7 कहाँ है, ये हो जाएगा आपका 0.7, इसको हम 0 भी लिख सकते हैं, और 7/7 ये हो जाएगा, इसको हम 1 भी लिख सकते हैं. तो अब हम करेंगे पेज नंबर 137 पे दिया हुआ है, ट्राई दिस. इनको मैं आपको कॉपी पे करके दिखाऊंगी. तो फर्स्ट है आपका शो 3/5 ऑन ए नंबर लाइन, हमें 3/5 को नंबर लाइन पे शो करना है. तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो 3 है ये न्यूमिरेटर है और ये जो 5 है यहाँ पे डिनोमिनेटर है. तो हम क्या करेंगे, जो नीचे वाला पार्ट दे रखा है हमें उतने ही पार्ट्स में 0 से लेकर 1 तक लाइन को डिवाइड करना है. तो हम यहाँ पे 5 इक्वल पार्ट्स में इस लाइन को डिवाइड कर देंगे, 3, 4, 5. इसको हम लिखेंगे 0/5, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5 और 5/5, ये हम 1 लिख सकते हैं, इसको हम 0 लिख सकते हैं. अब हमें क्या शो करना है इसके अंदर, 3/5, तो 3/5 कहाँ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3/5. सेकंड क्वेश्चन है आपका, ये आपका फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है. सेकंड क्वेश्चन है आपका शो 1/10, 0/10, 5/10, 10/10 ऑन ए नंबर लाइन. तो इसके लिए हम नंबर लाइन को ड्रॉ करेंगे और उसके बाद हम इसको 10 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये हो गया 10. तो नीचे हमारा 10 दिया हुआ है तो हम इसको लाइन को, नंबर लाइन को 10 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. अब हम सबके नीचे 10 लिख देंगे क्योंकि यहाँ पे ये जो 3/10 है क्या शो करता है, ये शो करता है कि 10 में से यहाँ 3 पार्ट्स हैं ये वाली पोजीशन पे. इसको हम 1 लिख सकते हैं 10/10 को, और जो ये 0 है इसको हम 0/10 लिख सकते हैं या 0 लिख सकते हैं. तो हमें इसके ऊपर 1/10 को शो करना है, तो ये हो जाएगा 1/10, 0/10 ये हो जाएगा हमारा 0/10, 5/10 तो ये हो जाएगा हमारा 5/10, नेक्स्ट हमारा 10/10 और 1 तो ये हो जाएगा हमारा 10/10. नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन, कैन यू शो एनी अदर फ्रैक्शन बिटवीन 0 and 1, क्या हम 0 और 1 के बीच में किसी दूसरी फ्रैक्शन को शो कर सकते हैं. यस, राइट 5 मोर फ्रैक्शंस दैट यू कैन शो एंड डिपिक्ट देम ऑन द नंबर लाइन. तो हमें 5 ऐसी फ्रैक्शंस दिखानी है, लिखनी है और उनको नंबर लाइन पे हमने
शो करना है। तो हम नंबर लाइन लेंगे सबसे पहले, तो यही काम होता है कि नंबर लाइन को ड्रॉ करना होता है। सपोज़ हमें इसके ऊपर शो करना है 3x7 को, 5x7 को और 8x0x7 को, ठीक है। तो हम इसके पार्ट्स करेंगे 7, क्योंकि यहाँ पे 7 पार्ट्स दिए हुए हैं। नीचे की तरफ देखेंगे हम डिनोमिनेटर को, तो डिनोमिनेटर हमारा 7 है, तो हम नंबर लाइन को 7 पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे। तो 7 पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए कैसे करेंगे, हम इसको बिल्कुल इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। ये होगी हमारी लाइन 7 पार्ट्स में डिवाइड। अब हम इसको जैसे लिखते हैं तो 7 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, तो सबके नीचे हमने 7 लगाना है। इसको हम 1 लिख सकते हैं 7x7 को, और यहाँ हम 0x7 या 0 लिख सकते हैं। अब हमें क्या शो करना है इसके ऊपर, अब हमें 3x7 शो करना है। तो ये हो जाएगा हमारा 3x7, 5x7 ये है 5x7, 0x7 ये हो जाएगा हमारा 0x7, और नेक्स्ट है हमारा 7x7, ये हो जाएगा 7x7 और 1। हाउ मैनी फ्रैक्शंस लाई बिटवीन 0 एंड 1, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ट्राई दिस का, 0 और 1 के बीच में कितनी फ्रैक्शंस लाई करती हैं, थिंक डिस्कस एंड राइट योर आंसर। तो हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो 0 से लेकर 1 तक हम इसको कितने भी पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये जो मैंने 3 पार्ट्स कराए, इसके अंदर हमने छोटा नंबर लिया है, तो हम इसको 100 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हम इसको 200 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, हम इसको 1000 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसका आंसर क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट फ्रैक्शंस यानी अनलिमिटेड फ्रैक्शंस लाई बिटवीन 0 एंड 1। तो 0 और 1 के बीच में इनफाइनाइट फ्रैक्शंस आती हैं। जैसे हम इसको लिखेंगे 1/200, 3/400, 5/60, 7/1000, इस तरह से हमें फ्रैक्शंस शो कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने इसका आंसर लिखा है, इनफाइनाइट फ्रैक्शंस लाई बिटवीन 0 एंड 1। अब हम करेंगे पेज नंबर 138 पे प्रॉपर फ्रैक्शंस दिया हुआ है कि प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होती हैं। यू हैव नाउ लर्नड हाउ टू लोकेट फ्रैक्शंस ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन के ऊपर हम फ्रैक्शंस को कैसे लोकेट करते हैं, हम कर चुके हैं। नाउ लोकेट द फ्रैक्शंस 3/4, 1/2, 9/10, 0/3, 5/8 ऑन सेपरेट नंबर लाइन्स। तो हम ये जो 5 फ्रैक्शंस दी हुई हैं, इनको हम सेपरेट नंबर लाइन के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। डज एनी वन ऑफ देम फ्रैक्शंस, एनी ऑफ द फ्रैक्शंस लाई बियॉन्ड 1, क्या कोई फ्रैक्शन 1 के पीछे की तरफ जाती है, 1 से ज़्यादा है, ये बताना हमें। ऑल दीज फ्रैक्शंस लाई टू द लेफ्ट ऑफ 1 एज दे आर लेस देन 1। लेकिन ये जो पांचों फ्रैक्शंस दी गई हैं, ये कहाँ पे लाई करती हैं, ये 1 के लेफ्ट साइड के अंदर लाई कर रही हैं। बिकॉज दे आर लेस देन 1, क्योंकि ये 1 से छोटी हैं। ऑल दीज फ्रैक्शंस विच वी हैव लर्न सो फार आर लेस देन 1। तो हमने अभी तक 1/2, 1/3, 10/10, 7/10, 3/5, जितनी भी फ्रैक्शंस हमने अभी तक ड्रॉ की हैं, ये सारी की सारी 1 से छोटी हैं। तो इनको हम क्या बोलेंगे, प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस की डेफिनेशन क्या होगी,
मैं एक बार इसको ड्रॉ कर देती हूँ। 3/4 को ड्रॉ करने के लिए हम नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, तो इसमें हम नंबर लाइन को सिर्फ 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। तो मैंने 4 पार्ट्स के हमें नंबर लाइन को ड्रॉ कर दिया है। अब हम इसके नेम लिखेंगे नंबर लाइन के, तो ये हो जाएगी आपकी 0, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। तो यहाँ पे 3/4 कहाँ पे है, ये हो गया आपका 3/4। 0 को हम 0/4 या 0 लिख सकते हैं, 4/4 को हम 1 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा इसके अंदर 1/2। 1/2 को आप देख चुके हैं पेज नंबर 136-137 पे, 9/10 ये है, जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर 9/10 ये हो गया आपकी 9/10। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी 0/3। तो 0/3 आप यहाँ बुक में देख सकते हैं, ये मैंने स्टार्टिंग में ही कराया आपको, 0/3 ये हो गया आपका 0/3। ठीक है, नेक्स्ट आपका 5/8। 5/8 मैंने अभी तक किया नहीं है, मैं उसको ड्रॉ कर देती हूँ। तो ये हो जाएगा आपका 5/8, नंबर लाइन पे कैसे शो करेंगे इसको। तो इसमें हम इस लाइन के 8 पार्ट्स करेंगे, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और ये हो गया 8 पार्ट्स। तो इसके नीचे हम लिखेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और जो डिनोमिनेटर की वैल्यू उसको हम नीचे लिखेंगे। तो हमारा इसमें 5/8 कहाँ है, ये हो गया हमारा 5/8। तो मैंने जितनी भी ये फ्रैक्शंस की हैं, 3/4, 1/2, 9/10, 0/3 और 5/8, ये जो फ्रैक्शंस हैं ये कहाँ हैं, ये जीरो से लेफ्ट की तरफ हैं। कोई भी फ्रैक्शन जीरो से राइट की तरफ नहीं जाती। तो इन फ्रैक्शंस के अंदर हम क्या देखते हैं कि इसके अंदर जो न्यूमिरेटर है, जो ये ऊपर वाला पार्ट होता है इसको न्यूमिरेटर बोलते हैं और जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं, नोमिनेटर। तो ये जो 5 फ्रैक्शंस दी हुई हैं इसमें क्या है, जो न्यूमिरेटर है वो छोटा है, डिनोमिनेटर इसमें बड़ा होता है। तो इन फ्रैक्शंस को हम क्या बोलते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो ये सारी फ्रैक्शंस कैसी हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द फ्रैक्शंस इन विच न्यूमिरेटर को हम n से डिनोट कर सकते हैं, न्यूमिरेटर इज ऑलवेज लेस देन डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को हम d से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। तो इसके अंदर जो न्यूमिरेटर है और डिनोमिनेटर है वे क्या शो कर रहे हैं, इन ए प्रॉपर फ्रैक्शन द डिनोमिनेटर शोज द नंबर ऑफ द पार्ट्स इन टू विच द होल इज डिवाइडेड। तो डिनोमिनेटर शो करता है कि टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स जिसके अंदर होल, होल यानी कोई भी एक ऑब्जेक्ट जिसको हमने डिवाइड किया है, एंड द न्यूमिरेटर, और न्यूमिरेटर क्या शो करता है, नंबर ऑफ पार्ट्स विच हैव बिन कंसिडर्ड। जो ऊपर वाला है न्यूमिरेटर वो शो करता है नंबर ऑफ पार्ट जिसको हमने कंसिडर करना है। तो प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होगी, इसके अंदर न्यूमिरेटर इज ऑलवेज लेस देन द डिनोमिनेटर। अब हमें क्या दिया हुआ, ट्राई दिस हुज न्यूमिरेटर इज 5 एंड डिनोमिनेटर इज 7। तो हमें प्रॉपर फ्रैक्शन बनानी है, तो न्यूमिरेटर यहाँ पे 5 है और डिनोमिनेटर है 7, तो ये हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन बन जाएगी 5/7।
हुज डिनोमिनेटर इज़ 9 एंड न्यूमिरेटर इज़ 5, तो न्यूमिरेटर का क्या है 5 और डिनोमिनेटर कितना इसमें 9, तो ये हमारी सेकेंड फ्रैक्शन बन जाएगी। हुज न्यूमिरेटर एंड डिनोमिनेटर एड अप टू 10, न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को अगर हम ऐड करें तो उनका सम आना चाहिए 10। तो इस तरह की हम कितनी फ्रैक्शंस बना सकते हैं, तो हम एक फ्रैक्शन तो ये हो जाएगी 0/10 हो जाएगी, एक हो जाएगी 1/9, एक हो जाएगी 2/8, 3/7, 4/6 और 5/5। इसके अलावा हमारी फ्रैक्शन बन जाएंगी 6/4, 7/3, 8/2, 9/1 और 10/0। तो ये हमारी फ्रैक्शंस बन जाएंगी। लेकिन इसमें से जो प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं वो कौन सी हैं, 0/10, 1/9, 2/8, 3/7, 4/6 और 5/5। तो ये हमारी इसके अंदर प्रॉपर फ्रैक्शंस बनेंगी, क्योंकि हमारा जो क्वेश्चन है उसमें पूछा हुआ है गिव प्रॉपर फ्रैक्शन, तो हमें प्रॉपर फ्रैक्शन ही बताने हैं। फ्रैक्शन तो ये भी हैं 6/4, 7/3, 8/2, 9/1, ये सारी प्रॉपर फ्रैक्शंस हैं, लेकिन ये सारी प्रॉपर फ्रैक्शंस नहीं हैं। फ्रैक्शंस हैं लेकिन प्रॉपर नहीं हैं। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0/10, 1/9, 2/8, 3/7, 4/6 और 5/5। तो ये 6/4, 7/3, 8/2, 9/1 और ये 10/0, इसको तो हम डिफाइन ही नहीं कर सकते। तो ये हमारी फ्रैक्शंस, इसके अंदर केवल 6 फ्रैक्शंस बनेंगे। हमें इसमें गिव एनी 5, हाउ मैनी मोर यू कैन मेक, तो इसके अंदर मैंने ये 6 फ्रैक्शंस बना दी, हम इसके अंदर 6 ही बना सकते हैं। इफ हाउ विल यू डिसाइड by just looking at it whether the fraction is less than 1 or equal to 1, तो हमें कैसे पता चलेगा सिर्फ देखने से ही कि कोई भी जो फ्रैक्शन है वो 1 से कम है या फिर 1 के इक्वल है। अगर हमारे पास इस तरह की फ्रैक्शन है 3/5, 2/5, 3/7, तो इसके अंदर क्या है, हमारा जो ऊपर वाला है न्यूमिरेटर है वो छोटा है तीनों में, तो देखने से ही पता लग रहा है कि ये प्रॉपर फ्रैक्शन है और प्रॉपर फ्रैक्शन 1 से लेस होती हैं। इक्वल टू 1, जैसे अगर मैं ये लिख दूँ 7/7, 5/5, तो ये क्या हो जाएंगी, ये इक्वल टू 0 हो जाएंगी, क्योंकि जब हम इनको काटेंगे तो हमारा आंसर 0 आएगा, इक्वल टू 1 आएगा, सॉरी हमारा आंसर 1 आएगा। नेक्स्ट है हमारा फिल अप यूजिंग वन ऑफ दीज ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू, तो हमें कुछ फ्रैक्शंस दिए हुए हैं और उनके बीच में बॉक्स बनाया हुआ है, तो उसके अंदर हमें साइन भरना है कि ये ग्रेटर देन है, लेस देन है या इसके इक्वल है। तो 1/2 और 1 देखने से ही पता लग रहा है कि 1 तो कंप्लीट है और 1/2 क्या है, ये 1/2 है, 1 का हाफ होता है, तो 1 यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, ठीक है। 3/5 और 1, ऐसे ये 1 बड़ा हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 5 में से 3 पार्ट्स हैं, यहाँ पे भी 1 बड़ा हो जाएगा, 1 इज़ ग्रेटर देन 7/8। 4/4 को हम कट करेंगे तो ये 1 आएगा और ये तो 1 है ही इधर, तो ये यहाँ पे इज इक्वल टू का निशान आ जाएगा, क्योंकि जो 4/4 अगर हम इसको कट करते हैं तो 1 के इक्वल आएगा। ऐसे यहाँ पे 2005, तो यहाँ पे इक्वल टू का निशान आएगा, क्योंकि अगर हम इसको कट करेंगे तो यहाँ पे 1 आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कराऊंगी इम्प्रॉपर एंड मिक्स्ड फ्रैक्शंस, तब तक के लिए आपका होमवर्क यही है कि आप नंबर लाइन के ऊपर फ्रैक्शंस को ड्रॉ करना सीखेंगे, कैसे शो करते हैं नंबर लाइन के ऊपर, और प्रॉपर फ्रैक्शंस को अच्छे से रिवाइज करेंगे। ओके, गुड बाय बच्चों, हैव ए नाइस डे।